वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन पे चौथा वीडियो है। लास्ट के वीडियो में हमने देखा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन निकालते कैसे हैं। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टी भी देखी, जैसे लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फॉर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब हम देखने जा रहे हैं उसकी थर्ड प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में एक्चुअली है क्या कि अगर हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस है, देन अगर टी की जगह हमारा चेंज ऑफ स्केल, स्केल को चेंज करना है, ए टी आ जाए, ठीक है, देन हम उसका हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, 1/a से रिप्लेस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे सॉरी, और s को रिप्लेस कर देंगे s अपॉन a से, ठीक है। ये हमारा होता है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। इसको समझने के लिए बेटर हम एक एग्जांपल लेते हैं। इफ लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन t अपॉन t इक्वल टू टेन इनवर्स 1/s, देन फाइंड लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टी अपॉन टी, ठीक है, ये हमें निकालना है। देखिए, देखने से हमें पता चलना चाहिए क्वेश्चन को कि हमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। टी है और हमें निकालना क्या है, ए टी, मतलब हमारा स्केल चेंज हुआ है, तो हमें यहां पर चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। गिवन लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन टी बाई टी इक्वल टू क्या होता है, टेन इनवर्स 1/s बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी लैपलेस। अब हम क्या करेंगे, टी की जगह ए टी पुट करेंगे, यहां पर टी है, यहां पर भी ए टी हो जाएगा, यहां पर टी है, यहां पर भी ए टी हो जाएगा, साइन ए टी अपॉन ए टी इक्वल टू क्या, अगर t को ए टी से रिप्लेस करते हैं क्या करना होता है हमें, 1/a से डिवाइड करना होता है, और s को रिप्लेस करना होता है s अपॉन 1 से, तो हम क्या करेंगे, 1/a टेन इनवर्स 1 अपॉन s अपॉन a। ये हमारे चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से हो गया, क्योंकि हमें दिया हुआ ये था लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन ए टी बाई टी, साइन टी बाई टी इक्वल टू ए। हम क्या करेंगे, ये t हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये बाहर निकल सकता है, तो 1/a हो गया साइन ए टी अपॉन टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/a टेन इनवर्स, ये a ऊपर आ जाएगा, a अपॉन s, 1/a 1/a कट जाएगा, कैंसिल हो गया, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन टी इक्वल टू टेन इनवर्स ए अपॉन एस। हमें फाइंड भी यही करना था, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी अपॉन टी, ये आ गया हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। सिंपली हमने इस क्वेश्चन में किया क्या, साइन टी अपॉन टी, साइन टी अपॉन टी दिया हुआ था टेन इनवर्स 1/s, हमें निकालना था साइन ए टी अपॉन टी। तो हमें देखने से क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होगा हमें कि कौन सा प्रॉपर्टी यूज करें, टी है ए टी है, इट मीन्स अगर हम t को at से रिप्लेस कर दें, चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी लगाएं, तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी का यूज कैसे करते हैं क्वेश्चन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इफ यू लाइक इट दिस वीडियो, देन लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड डोंट फॉलो टू सब्सक्राइब।